भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते मध्य प्रदेश आए हुए हैं। वे आज खजुराहो जाने से पहले उज्जैन पहुंचे, जहां पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों एवं नेताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां से श्री नड्डा सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत नहीं की और जय श्री महाकाल बोलकर चले गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इस बार 400 के पार फिर मोदी सरकार। महाकाल महाराज की जय। चुनाव के इस दौर में अभी इंदौर से उज्जैन आया हूँ। यहाँ सतना खजुराहो और पन्ना होते हुए वापस इंदौर प्रवास चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 बार सार्थक होगा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा हम जीतेंगे। जय महाकाल। पंचामृत पूजन का, षोडशोपचार पूजन किया, नंदी हाल में बैठ के आशीर्वाद दिया भगवान का, और उन्होंने भी सब पूजन परिवार सहित पधारे थे। नड्डा जी साहब और सीएम साहब भी थे, और सबकी मंगल कामना के लिए, देश की प्रदेश की मंगल कामना हो, जनता सब खुशहाल हो, उस मंगल कामना के भाव से पूजन अर्चन किया। वो दर्शन के मात्र दर्शन के उद्देश्य से ही वो आए थे भगवान के दरबार में।